यार दीपक भाई एक मिनट रुक जाएं भाई, आपसे बात कर रहा हूँ ठीक, आप मैं बाद में मैं छोड़ दूंगा हिंदू ठीक, उसके बाद मैं कभी बोलूंगा दीपक भाई, दीपक एकदम भाई एक मिनट, दीपक भाई रुक जाएं एक मिनट, प्लीज एक मिनट रुक जाएं दीपक भाई प्लीज। देखें दीपक सिंह भाई तो स्टेज पे आ चुके हैं, मनीष सिंह कह रहे हैं मैं आ रहा हूं बेटा। मनीष सिंह साहब आपके लिए, जी जी मनीष सिंह भाई के लिए मैंने जगह बनाई है, मनीष सिंह भाई जल्दी से प्लीज आ जाएं। जिशान भाई जो हैं इनकी आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा इसी तरीके से, अच्छा ये हिंदू भाई भी हैं पीछे एक, मैंने जगह बनाई है मनीष भाई जल्दी से ज्वाइन कर लें। भगवत गीता पे बात होने लगी है तो आप कह रहे हैं किसी एक्स हिंदू से आपने बात करनी है, ठीक है भाई। क्योंकि आपको तो पता नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको क्या पता है? अच्छा अच्छा ठीक, यानी पाकिस्तानी जो होगा वो सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं रख सकता, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल रख सकता है, लेकिन आप कहने का मतलब मैं हिंदू हूँ, क्या मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी रखूंगा या हिंदू के बारे में ज्यादा रखूंगा? जबरदस्त, नहीं मगर आपने हिंदू नहीं ना कहा, आपने पाकिस्तान कर दिया ना, या ये फैसला करें क्या इंडिया, क्या इंडिया, क्या इंडिया, क्या मैं मुस्लिम के बारे में ज्यादा जानूंगा या आप ज्यादा जानेंगे, पहले ये बताइए। ऐसे कर तू एक चक्कर लगा के आ, क्योंकि मैं तेरी छतरोल तसल्ली से करना चाह रहा हूँ। वापस जुड़े, आपकी आवाज चली गई थी, सॉरी दीपक भाई आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा से ज्वाइन करें। ये पूरा करेक्टर है, इसका बड़ा मजा आना है मैं तुम्हें बता दूं। इसको मैंने ले चला, छतरोल कैसे होती हो, हाँ यह जगह बनाए, अभी मुसलमान ज्वाइन ना करें प्लीज, इसको आने दे, इसका बड़ा मजा आना है, मुझे समझ आ गई है, इसका तवा मैं लगाता हूँ, ये देख इसका तवा कैसे लगता है, बड़ा मजा आना है। दीपक भाई जल्दी आ जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जल्दी आ जाए, इसको थोड़ा ठंडा करके ना, यकीन करें ये बड़ा मजे का इसका केक बनना है, थोड़ा सा इसको ठंडा करके अगर पुदीने की चटनी के साथ थोड़ा सा लगा के खाऊंगा ना, मुझे बड़ा मेरा आज दूसरा आनंद होना है इसके साथ, थोड़ा सा जल्दी भाई जल्दी। अकेले अकेले ना खाए, थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, पेट्रोल लगा के पीछे पड़ोगे ना। आपने मुझे निकाल दिया था बैकस्टेज, नहीं नहीं बैकस्टेज निकाल दिया था, वो असल में आप सुन नहीं रहे थे, मुझे लगा आपको आवाज नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं चेक कर लूं, रीज्वाइन कर लूं, क्योंकि जब मैं बोल रहा था आप सुन नहीं रहे थे, तो मुझे लगा शायद आपको आवाज नहीं आ रही, तो मैंने फिर आपको निकाल दिया। मेरा आवाज कट ही नहीं सकता। अच्छा कहां, नासा के हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, कहां से? नहीं नासा के तो नहीं बात कर रहे हैं, इसरो से बात कर रहे हैं। अच्छा इसरो से कर रहे हैं, जिनको 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 अभी तक सैलरी नहीं मिली इसरो वालों को, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी दीपक भाई, इसरो को इतना सैलरी मिलता है कि पूरा पाकिस्तान का जितना भी फौज है ना आराम से उतना राशन खा सकता है, इसलिए ना अच्छा पाकिस्तान फौज को खेती करना पड़ता है। एक मिनट एक मिनट, रोर भाई यार बीच में नहीं, यार बीच में नहीं, रोर भाई बिल्कुल खामोश हो जाए, बोलने दे। उससे भी नहीं बढ़ता है तो डाकुओं से लूट लूट के खाता, ऐसा कभी इंडियन आर्मी को जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए आप विषय पे डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप टॉपिक को विषय, अच्छा बहुत अच्छे विषय को मैं डाइवर्ट करना चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान ये कर रहा है। आप सबसे पहले लेके अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं दीपक साहब, ये बताएं क्या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता? पाकिस्तान या इंडिया, हिंदू मुस्लिम नहीं करना, पाकिस्तान और इंडिया आपने शुरू किया है, कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है ना, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपके पास जानकारी नहीं है? क्या हिंदू एक मुसलमान के कुरान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी ज्ञान प्राप्त करना मतलब किसी भी एजुकेशन को ले सकता है? ओहो मैंने तो ये बात की नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे दीपक भाई, दो चीजों में फर्क समझो। आपने ये कहा कि आपके पास ये जानकारी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप पाकिस्तान से हो, तो वो आप यूं कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान का आदमी शायद सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता? गीता पढ़ते हैं यार, सवाल का जवाब दीपक भाई क्यों नहीं दे रहे आपसे? मैं पूछ रहा हूँ क्या आपने बोला ना अभी, आपने बोला कि पाकिस्तान का व्यक्ति, क्या आपने बोला कोई इंसान एक पर्सन किसी भी विशेष किसी विषय का जानकारी ले सकता है? ठीक मैं मान लिया, ठीक आप भी मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक तो वैसे ही तो आपका भी सेम मेथड अप्लाई होगा ना? जबरदस्त, यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान का पर्सन है, यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का आदमी, लेकिन दिमाग तो सबका एक है ना यार दीपक भाई, या तो फ्लो के अंदर बात करो, आपको आती है बात इंस्टॉलमेंट में याद, जब मैं बोलने लगता हूँ आप टोक देते हो, या तो एक मिनट के लिए पूरी अपनी बात कर लो, आप मुझे लगता है आपका प्रोसेसर थोड़ा
ही बात होते रहेगा। आप कोई एक कोई विषय लाइए, कोई सब कोई विषय लाइए, विषय लाने लगाऊं ना, विषय लाने लगाऊं, मगर आपका प्रोसेसर स्लो है। आप दो जुमले के बाद ब्रेक लेते हो, फिर आपको याद आता है ये भी बोलना था, फिर आप बोलते हो। आपका प्रोसेसर अभी स्लो है, इसको थोड़ा अपडेट करें। इस ये जो डिबेट है ना, ये जो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ हमारा 5G का प्रोसेसर है, आपका भी 2G ही चल रहा है, टुक टुक, अभी नेट भी बंद है। कैसे, मुझे तो लगता है कि आप कहां बैठे हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में है आप, पाकिस्तान में नेट चलेगी सर। तो वही तो बोल रहा हूँ कि यूपी में हूँ, आप मुझे धक्के से पाकिस्तान में डाली, यूपी का हूँ मैं, बोल तो रहा हूँ भाई, यही तो समझा रहा हूँ आपको। यूपी में कहाँ पे, क्यों बताऊं, आप यूपी के होते तो बताने में क्या दिक्कत है, आप तो मुस्लिम है, आपको क्या दिक्कत है, आप ऐसा तो नहीं, आप तो मुस्लिम है, इसलिए बताने में दिक्कत है। आपने मेरी लाइव स्ट्रीम सुनी है, अभी आप मुझे यहाँ पर बोलने नहीं दे रहे, मेरे गिरबान को पकड़ा हुआ है। अगर आपको पता चल गया यूपी में कहाँ से हूँ, आप तो मुझे काट देंगे। मैं आप पे नहीं चार रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चार रहा हूँ दीपक भाई, यूपी का हूँ मैं। आप पता नहीं क्यों पाकिस्तान इंडिया, मैं खुद हैरान हूँ कि यार जो बंदा आता है मेरे साथ पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, आपके लहजा मुझे उर्दू लग रहा है। ओ भाई लहजा बहुत अच्छे, इंडिया के अंदर कितनी भाषाएं, इंडिया के अंदर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं पता है आपको, इतना है कि 50 से ज्यादा ही बोली जाती होगी, 200 के करीब आपकी जान का, इसीलिए मैंने कहा आपका प्रोसेसर स्लो है। 200 से मैंने क्या बोला, 50 से भी ज्यादा बोली जाती है, 250 तो बहुत पीछे है ना, मैंने नहीं बोला बहुत पीछे, 50 भी बोली जाती है, 200 के लगभग भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं उपलब्ध हैं हिंदू देश हिंदुस्तान के अंदर, 200 से ज्यादा। अब लहजे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जो सफर करता रहा है, ट्रेवल करता है, मुख्तलिफ जगह के अंदर चीजों में जाता है, उसका लबो लहजा चेंज होता है। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट पे बात कीजिए ना, आप मुझे यहाँ पे हम खुतबा दे रहे हैं, खुतबा में मुझे बात ही नहीं करना है, मुझे विषय पे बात करना है, सब्जेक्ट पे बात करना है। तो फिर आप अगर प्रवचन देंगे तो आपको खुतबा और नुकबा दोनों देना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट लाइए, विषय लाने लगा, सब्जेक्ट लाइए। इसका मतलब ये है कि ये चीज क्लियर हो गई कि मैं पाकिस्तान का तो नहीं हूँ, यूपी का हूँ, क्योंकि इंटरनेट ठीक चल रहा है, सही है। आप पाकिस्तान के हैं, आपके लहजे से लग रहा है, यानी उधर तो इंटरनेट ही ना चल रहा, ना आटा, ना तेल, ना बिजली, ना गैस, ना घी, ना शक्कर, कुछ भी नहीं है वहां पर, मैं क्या करूंगा भाई। तो मान लीजिए यूपी से हूं, क्या दिक्कत है दीपक भैया, क्या आप चाहते नहीं है मैं आपके, आप तो सब्जेक्ट पे आओ, जबरदस्त, ये हुई ना बात दीपक भाई ने। दोस्तों बिल आखिर ये मान लिया कि आमिर हक यूपी से है, अब इनका ये संदेह किसी तौर पर भी इनको अंधे नहीं रखेगा कि ये कहें कि तुम चूंकि पाकिस्तानी हो इसलिए सनातन धर्म के विषय पर बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना दीपक भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, ठीक है। भगवद गीता के विषय पर हम बात करने लगे हैं, सही हो गया? हाँ बिल्कुल, बात करिए। ठीक हो गया दीपक भाई, भगवत गीता का अर्थ मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, भगवत गीता का अर्थ क्या है? भगवत गीता एक दिशा है, एक किताब है, जिसमें कर्म भी है और जितना पाप भी है उस विषय पे, जैसे कुरान है, जैसे उस कुरान में भी आता है वैसा सेम उसे ही है। अब उस पे सब्जेक्ट क्या क्या है, उसमें कौन कौन सा उद्देश्य है, वो अलग अलग है। आप उस उद्देश्य के बारे में बात कीजिए, आप सीधा गीता पे बात कर रहे हैं, गीता का पहला चैप्टर पे बात कीजिए, पहले चैप्टर पे आने, पहले चैप्टर पे आने लगा हूं। भगवत गीता का जो भी बात क्या है, एक मिनट, हाँ, जो भी आप बात करेंगे स्क्रीन पे दिखा के बात करेंगे तभी बात। जी सब अगर आपने मुझे लाइव स्ट्रीम्स मेरी सुनी है तो दीपक भाई आपको पता होना चाहिए मैं स्क्रीन पर ही दिखाकर बात करता हूँ। अच्छा दीपक भाई, भगवत गीता का अर्थ क्या है, प्रश्न मेरा अभी भी यही है, आपने बताया नहीं, बता तो दिया, आपकी हिंदी समझ में नहीं, कमजोरी है शायद। नहीं नहीं, अर्थ मैं जानना चाह रहा हूँ दीपक भाई, अर्थ क्या है भगवत गीता जो शब्द है, भगवत गीता जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, भगवत का और गीता का? गीता किसे कहते हैं? गीता कहते हैं जो कोई भी चीज गाने वाला चीज। अब भगवत मतलब होता है जैसे कि किसी, भगवत मतलब जैसे आपका भारत, भारत का जो जो कितनी भी उसमें कथा है उसी के बारे में लिखा गया है। एक मिनट, भागवत का मतलब है भारत, क्या दीपक भाई मैं समझा नहीं, क्या है भागवत, क्या होता है भागवत मतलब? तो मैं आप बहुत अच्छे बताया, तो मैं आपको भागवत मतलब क्या होता है, क्या होता है
बताया तो आपको भागवत मतलब? हाँ हाँ बताएं क्या है, मैंने समझा नहीं। हाँ बताएं भागवत का क्या हो गया? चुप, आपका प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर तो बिल्कुल ही डाउन हो गया दीपक भैया, बोलिए। आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए ना, आप अब उस पे क्या बात कर रहे हैं आप? मेन मतलब तो गीता भी बात कर रहे हैं, कुरान का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है, वैसे ही कुरान क्या दीपक है? जब कुरान का अर्थ मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको, टॉपिक चेंज मत कीजिए। पहले तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ दीपक भाई, आप तो थोड़ी की देर चले और लुल हो गए। एक संस्कृत का शब्द है, एक तो मेरा बात है भगवत गीता एक संस्कृत का शब्द है, जैसे उसको बोलते हैं जैसे कि भगवद गीता आईपीएम जैसे उसका होता है, गीता एक शब्द में भगवान का एक गीत है। नहीं भगवत का अर्थ देखे संस्कृत का तो है, इतनी जानकारी तो मुझे भी दीपक मतलब होता भाई। है भगवान, भगवान गीता मतलब होता है गीत। जबरदस्त जी, तो भगवत गीता का अर्थ क्या हुआ? भगवान का गीत होता है और इसमें 700 श्लोक है। जबरदस्त, अब रुकिएगा जरा, भगवत गीता हाँ। का फाइनली हम इस कंक्लूजन पर दीपक भाई ने अपना ज्ञान प्रकाश किया स्ट्रीम में और उत्पन्न हुआ ये उत्तर कि भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान का गीत। दीपक भाई क्या आप दर्शकों को, नाजरीन को, हाजरीन को, सामेईन को बताना चाहेंगे कि भगवान का गीत जिस भगवत गीतों को बोला गया है ये कौन से भगवान है? भगवत गीता में मेन लीड किसका है बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, भगवत गीता सनातनी आप हैं। हम इतना बता दिए, आप बताइए कि भगवत जो गीता है उसपे मेन लीड किसका है, मतलब ये क्या चल रहा है? हेलो हेलो जी, इसरो का नेट तो नहीं चला गया? हेलो जी जी, हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? मैंने बताया कि मैंने बता दिया कि भगवान का गीत इसमें 700 श्लोक है, ठीक? जब भी आप गायब होते हैं ना, जब भी आपकी आवाज दीपक भाई गायब होती है ना, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन होता है, तब आपको मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर समझ आता है। थोड़ी देर पहले भी आप भगवत को भारत कह रहे थे, जब आपकी आवाज चली गई तो आपने भगवत को भगवान बनाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा भगवान, तो अब आपने थोड़ी सी फिर ब्रेक लिया, वापस आए हैं। अब मुझे आशा है कि आप हमसे पूछ रहे हैं या हमको बता रहे हैं श्री कृष्ण का नाम लेंगे, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। यानी हाँ, भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत और भगवान हाँ, यहाँ पर है श्री कृष्णा, तो ये गीत है श्री कृष्णा का, ऐसे ही है? हाँ, उनका उद्देश्य भी कहा जाता है। ठीक है, उनका उद्देश्य है। चले जी हाँ, अब हम भगवत गीता को स्क्रीन पर ओपन करने लगे हैं और हम स्क्रीन पर दिखाकर, भाई ने हमसे पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाकर आपने बात करनी है, तो हम जनाब स्क्रीन पर बात कर लेते हैं जी जनाब। हाँ, मजे माया हूं ना उनके मजे ते माया हून ओन गे मजे ते माया हून ओन गे। अब खाना पक चुका है और अब सर्विंग का टाइम आने लगा है जी। जी जनाब, आपने बोला था भगवत गीता ओपन करें, पहला अध्याय मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। किताब भगवत गीता, भगवत गीता हाँ, तो बताइए क्या लिखा है इसमें? जी आपने कहा था भगवत गीता भगवान का गीत अर्थात श्री कृष्ण का गीत है, ये संस्कृत में जो लिखा है भगवत गीता अध्याय एक श्लोक एक, क्या लिखा है जरा पढ़िए संस्कृत में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सॉरी धीत राष्ट्र उपाच्य धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेत युसत स्व धामा पांडव क्षेत्र कीमत ये कीम कुत्व। ये क्या पढ़ रहे हैं? इस तरह संस्कृत पढ़ी जाती है? उसकी टांगे तोड़ नहीं आपने दीपक भाई? राष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडव क्षेत्र क्या? अरे तुम ये बताओ ना पहले क्या है इसका मतलब बताओ। तो बहुत अच्छे, एक तो संस्कृत भी आपको पढ़ाएं,
ऊपर से आपसे पूछे ये आप, कर रहे हो तो बताओ जी, अब मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं पूछने लगा जी जी इंग्लिश है, इंग्लिश हाँ इंग्लिश में दिखाओ, इंग्लिश नहीं खुलेगी अब, या फिर हिंदी, अब हम हिंदुस्तानी शुद्ध संस्कृत में बात करेंगे, अब इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में एक साल पहले खोला करता था, अब तो मैं हिंदी में मुश्किल से खोलता हूँ, शुद्ध कुरान में क्या ये अरबी में बात करता है क्या, तुम घर पे क्या अरबी में बात करता है? आज दीपक सिंह साहब को और सनातनियों को इंग्लिश की भीख मांगते हुए देखकर आनंद मिला, अति उत्तम, तुम लोगों को उर्दू की भीख मांगते हुए देखना तर्जुमा करना जी, बता मुस्लिम कितना परसेंट मुस्लिम मतलब अरबी में बोलता है? हेलो बहुत अच्छे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बाद में खोलते हैं। अच्छा जी, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, तुम्हारे घर से ही बात करते हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग अभी बात करते हैं? भगवत गीता बोलने तो आता है, भग 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 का थी होता है, भग 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 भगवत गीता होता है, भगवत गीता अध्याय भगवत गीता नहीं होता है, भगवत गीता समझा, खुद तो बोलने नहीं आता है। अच्छा जी, आपने बोला था कि भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता अध्याय एक श्लोक एक आपके सामने खुला, आपने बोला कि ये गीत है भगवान का यानी स्वयं श्री कृष्ण का गीत है, जानना चाहता हूँ संस्कृत स्वयं आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दी गई है आवाज़े हक चैनल के द्वारा, धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ तो कीजिए दीपक सिंह जी। हाँ इंग्लिश में दिखाओ ना, हिंदी तो हिंदी में दिखाओ, नहीं संस्कृत भगवत गीता संस्कृत में आई, कुरान कुरान को क्या अरबी में एकदम पढ़ते हो तो तुम समझ जाते हो अरबी क्या? जी 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 समझता हूँ, समझता हूँ, सब सब मुसलमान समझता है, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी बात करें ना, तो आपसे बात कर रहे तो आप भी तो उसमें से जिसमें है कि आपको पता है, आपके बहुत सारे तो मुझे पता है, ऑब्वियसली मुझसे बात कर रहे हैं, अब मैं क्या सारे एक अरब मुसलमानों की घर में सब अरबी बात करता है, मुझे बताइए कोई अरबी बात करता है, बोलिए आज यकीन करें आज मुझे बड़ी ज्यादा मजा मुझे पता चल रही है, तुम्हारी दर्द मैंने पकड़ लिया कस के, पकड़ लिया मेरी दर्द, पकड़ लिया तुम चार हो गई है, जी 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 मेरी दर्द पहले ढीली थी, जब से आपने पकड़ लिया टाइट हो गई है, मेरी दर्द पकड़ लिया आपने, लाख कोशिश कर लोगे लेकिन नहीं बताओगे हिंदी में। धृतराष्ट्र उवाच, अरे धृतराष्ट्र उवाच छोड़ो, तुम हिंदी में दिखाओ उसका, आए हाथी का, चलो कभी टाइम था, कभी कभी टाइम था, सनातनी हमें आकर कहते थे इंग्लिश नहीं बता दो, हिंदी पेश करें, जब हिंदी पेश की कहते थे संस्कृत पेश करें, में पानी है तो तुम बताओ अब आज इसका मतलब, बस इसका मतलब बता दो, तेरे को आती है ना संस्कृत तो बताओ इसका मतलब, किधर गए अमीर तेरा निकल जाएगा पीछे से हवा अगर तुम इसका मतलब बता दिया तो मैं पीछे से हवा निकालने लगा, मुंह साइड पे कर ले, अच्छा अच्छा अगर मैं बता दूं, अगर मैं बता दूं, अगर मैं बता दूं धृतराष्ट्र उवाच का मतलब क्या है जो कि आपको नहीं पता, इसका मतलब, इसका मतलब मैं अगर बता दूं, इसका मतलब आपको बता दूं तो फिर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, बता दो क्या उसका, तुरंत बताओ, उतना सोचने बता दूं करके तू सर्च मारते जाएगा, बहुत चुतिया बनाते है तुम, अपने ऑडियंस मुसलमान लोगों को चुतिया बना देगा लेकिन तुम और बाकी लोगों को नहीं मना सकेगा, क्योंकि तुम्हारे मुस्लिम लोग जितना भी है ना वो लोग अननवाजी लोग है, कभी रेफरेंस देखता नहीं है, कभी सर्च करता नहीं, बस मुल्ला लोग बोल दिया माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने भी कोई है बुरखा वाली आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे यार पूरा करेक्टर है, पूरा करेक्टर देखे, भगवत गीता सामने खुली है स्क्रीन पे है, कहता है रेफरेंस नहीं दे रहे, स्क्रीन पे खुला है, उसको इस वक्त 440 वॉट का झटका लग रहा है इस वक्त संस्कृत आंखों के सामने, तुमको लगा अभी दो तीन स्ट्रीम में तुमको भी झटका लगा, अभी एक स्ट्रीम दो स्ट्रीम वाला तुमको भी दिया ना भर पेट। अच्छा अच्छा दीपक भाई, अगर मैं इसका अनुवाद कर दूं तो क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? तब से मतलब जलेबी बनाया जा रहा है, जलेबी बनाया जा रहा, करो इतना देर में तो कोई भी अनपढ़ भी जाके सर्च मार लेगा, अगर तुम जितना तुमने नहीं मारा होता तो, इसका मतलब है तुमने नहीं मारा तब से बोल रहे हो, इसका मतलब अनपढ़ से भी गए गुजरे हो,
अरे भाई तुमसे पूछ रहे हैं ना, तुम तो मुझे अनपढ़ खुद बोल रहे हो, तुमसे तब भी तुम भी नहीं बता रहे हो उसका मतलब। तुमसे पूछा था, ये मेरे ख्याल से इस बेचारे को, मेरे ख्याल से इस बेचारे को याद नहीं है, इस बेचारे को याद नहीं है, मुझे नहीं कि याद, तुझे याद नहीं आ रहा है कि तू, इस बेचारे को मतलब बता उसका मतलब क्या है, इसका अलग है ना, बता उसका मतलब। इस बेचारे को ये भूल गया है कि इससे प्रश्न पूछे जा रहे थे, भगवद गीता का अर्थ फिर ओपन करता हूँ, कुछ भी हो जाए अमीर आज नहीं बताएगा इसका मतलब, खूब जलेबी बनाएगा अपने व्यूअर को, चुतिया बनाएगा लेकिन नहीं बताएगा। तुझे एक हफ्ता से पहले तुझे देखता तक नहीं था, 100-200 लोग देखता था तुझे, आज तुझे लोग 1400 लोग ने देखा, किस लिए लोगों ने देखा नहीं, तुझे गालियां देने के लिए लोग आए थे तेरे से बात करने, लेकिन तू किसी को ऐड नहीं किया, तू अपना ही बंदा को ऐड कर रहा था, लेकिन गलती से तू मुझे ऐड कर लिया, तेरे फाड़ के मैंने रख दिया, अभी तक तू बता नहीं रहा है क्या करके रख दिया, फाड़ के रख दी, हाँ फाड़ के रख दी। ओए यार खुशफहमी चेक करो बेचारे की। और मेरी तो ठीक है, तुम्हारी है ना, तुम्हारी ना कजन में है, कजन को ही उठा लेता है तुम लोग, बहुत अच्छे। उस बेचारे को ये भी नहीं पता चला कि मैंने खुशफहमी बोला है, खुशफहमी का मतलब क्या होता है। कहता कजन को उठा लेता है यार। दीपक, दीपक कसम से तू पूरा एक मनोरंजन, तू पूरा करेक्टर, अभी तक इतना घुमा रहा है, अभी तक नहीं बताया, तुम बस खड़े इधर उधर इधर उधर गर्दा पी लेता है और इधर उधर करते रहता है, उसका मतलब बताओ ना, गर्दा बना रहा है लोगों को, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवश्च किं कुर्वत् संजयः। सॉरी ये निकल जाती है संस्कृत पढ़ते हुए मेरी। अच्छा तो ये अपना दीपक भाई धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ थोड़ा कीजिएगा प्लीज। किसका धृतराष्ट्र उवाच? धृतराष्ट्र की राष्ट्रीय से पता चल रहा है कि किसी क्षेत्र के बारे में, यानी कि भगवत गीता में पहला ही है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुआ था उसी के बारे में है, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपस्थित थे ना जितने भी लोग लड़ रहे थे उसके बारे में, संबंधियों के बारे में, अर्जुन इसका मेन था धनुष बाण में, और यानी ये जो राष्ट्र बताते हैं अमर भाई, एक मिनट अमर भाई, अगर आप दीपक लेके भी ऐसा आप कैरेक्टर लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अबे तुम बात, तुम अरे हाई ही कर रहा, तुम क्या मैंने जो बोला वो गलत है या सही, इतना बताओ, यानी जबरदस्त, नहीं नहीं सॉरी नहीं नहीं जबरदस्त, एक सिंधु कर रहा तुम, अरे तुम बात कर लो ना, तुमको ज्यादा पता है। अच्छा रुके 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 मुझे ज्यादा पता है, तू बात कर। अच्छा भाई रुक जाए दीपक भाई, इतना गुस्सा नहीं करें, दिमाग में लगा लिया बल्ब तो क्या दिमाग हो गया तेरा सारा कटुआ। अच्छा 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 रुक जाए रुक जाए, मुझे पता है अब आपकी बस हो गई है, अब आप अपनी औकात पे आएंगे, रुक जाए। मेरी बस नहीं हो गई, तुम्हारी फट गई है, जो तुम मेरे से ले रहा था, सोचा था देखा था कि कोई ना कि तुम्हारा ही पार्टी का, लेकिन तुम सोचा कि तुम निकल गया तेरा, सब अपने अपने बंदा को ऐड कर लेता, तुम गलती से मेरे को ऐड किया, इतना दिन से तुम देख रहे, किसी को ऐड नहीं किया, 2 महीने से तेरे को देख रहा हूँ, तू कभी ऐड नहीं किया मेरे को, आज कैसे ऐड कर लिया। अच्छा एक मिनट, गलती से मेरे को ऐड किया, दीपक भाई मुझे ये बताएं, तेरी जली हम देख रहे हैं, अंदर से ही देख रहे हैं, यहीं से बैठ के तेरा जला हुआ देख रहे हैं। दीपक भाई, दीपक भाई माँ कसम खाइए कि आज से पहले बैक स्टेज में कभी आकर बैठे हैं आप, माँ कसम खा गए बोले 2 महीने से तेरे इसमें आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना भी है ना मॉडरेटर सब गाली नहीं देते, मेरे को ब्लॉक मार देता। अच्छा अच्छा एक मिनट, सारे मॉडरेटर्स आपको निकाल देते हैं, ब्लॉक मार चुका अपने ब्लॉक लिस्ट में, बहुत सारे नाम से यानी बहुत सारे नाम से हैं, चेक करो
उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि बैक स्टेज पहुंचने की क्या औकात होती है और कमेंट सेक्शन में क्या होता है, उस बेचारे को ये भी नहीं पता। अरे यार 14,000 तुम्हारा फॉलोवर है, तुम्हारे इतना कूद फांद रहा है जैसे कि कितना स्टेज औकात औकात की बात करे। अमर भाई एक अच्छा पॉइंट है, मैं ऐड कर लूं जरा सा, एक एक सेंटेंस में ये भड़क जाएगा आप पे जी। एक जैसे कि उन्होंने बोला कि वहां पर राष्ट्र की बात हो रही है, ऐसे जो दीपक का जो अर्थ मैं कर रहा हूँ ना, ध्यान देना आप, दीपक, सो डी एन पी ए के पाकिस्तान, डी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तानी निकला। हाँ यार वही तो मैं सोच रहा हूँ। अगर तुम तो बहुत, तुम तो हमें, तुम्हें थोड़ा अच्छा है कि तू 2 पैसे का भी तेरा अकल है। अच्छा अच्छा तो 2 पैसे का, दीपक का मतलब पाकिस्तान होता है। किस डिक्शनरी में पढ़ा अबे, किस डिक्शनरी में, तू एक सिंबल नहीं है, तू 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 किसी मदरसा छाप है, तू मदरसा 100 पढ़ लो, तू मदरसा छाप है। अगर तू एक सिंबल होता तुझे दीपक का मतलब पता होता। अच्छा यार ये बड़ा, एक मिनट दीपक भाई, यार नहीं एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट रुक तो जाए दीपक भाई, बात अगले अगले यार अगले बंदे को भी दीपक भाई बात रखने दिया करना यार, यार दीपक भाई एक मिनट सुन तो, ओ दीपक भाई एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जा, अगले बंदे को भी बात करने दे यार। वैसे सही मुस्लिम भाई ने बड़ा सॉलिड किस्म का पॉइंट पकड़ा है, पाक भी लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है सिंह, यानी ये डी एच उल्टा लिखा हुआ है सिंध, यानी ये सिंध से है, पाक पाकिस्तान में जो सिंध सूबा है, वो सिंध नहीं है, चूतिया। ये तो पकड़ा गया, पॉइंट पकड़ा गया, मुझे लगता है मदरसा छाप है क्या, वो सिंध नहीं है, ये पॉइंट तो मैंने अब पकड़ा है, वो सिंध नहीं है। ये देखें मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये पॉइंट तो मैंने अब देखा, ये देखें जरा, वो सिंध है, कहां से सिंध दिख रहा है, ये कोड वर्ड के अंदर पाक लिखा है और सिंध जो है ये उल्टा डी है, सिंध, ये पाकिस्तान सिंध से इसका ताल्लुक है, इसलिए पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा था। अच्छा ये मदरसा छाप में पढ़ा जाता है ना, डी डी को पढ़ा जाता उल्टा, हां मदरसा का क्लास होता है ना ऐसे, धृतराष्ट्र उवाच, कुछ भी हम करने का, धृतराष्ट्र उवाच, इसका अर्थ कीजिए दीपक भाई प्लीज, कर तो दिया, क्या अर्थ है इसका, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी उसमें अर्जुन का उसमें लीड था, नहीं ओहो ये अर्थ ये धर्म धर्म धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ ये किसका, धृतराष्ट्र किसको कहते हैं, धृतराष्ट्र किसको कहते हैं, वो अपना क्षेत्र है, कौन सा था उनका अपना क्षेत्र, उनका अपना क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, उसका उपाध्य राष्ट्र, धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ कर दें आगे, धर्म क्षेत्र की बात होता है, मैदान होता है, उपास क्या होता है, मैदान होता है, अच्छा मैदान होता है ठीक है, और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के उपास मतलब कि कर्म धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब उन धर्म क्षेत्र हो गया जैसे कि समाज, नहीं धर्म क्षेत्र की, सॉरी सॉरी दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक भाई धर्म क्षेत्र की बात नहीं, ओहो ओहो दीपक भाई सुने तो सही, धर्म क्षेत्र की बात नहीं, कुरुक्षेत्र में ही तो इसका भगवद गीता है, ओ भाई भाई दीपक भाई धर्म क्षेत्र की बात नहीं, धृतराष्ट्र का पूछ रहा हूँ, उवाच का तो आपने बता दिया अर्थ बड़ा जबरदस्त के मैदान होता है, बताया मैं गीता में पहला अध्याय के नाम अर्जुन के विषाद योग का ही है और उसमें बोले तो मैं कुरुक्षेत्र का नहीं, ओहो धृतराष्ट्र का अर्थ बता दें, उवाच तो आपने बताया मैदान बोलते हैं, उवाच कहते हैं मैदान को, धृतराष्ट्र किसे बोलते हैं, धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्र राष्ट्र मतलब क्या होता है, राष्ट्र मतलब अपना एक राष्ट्र क्या होता है, कोई भी जैसे कोई भी स्टेट होता है, जैसे आप पाकिस्तान से हो सेम वैसे है ना, जैसे आप पाकिस्तान से हो एग्जैक्टली वैसे है ना दीपक भाई, दीपक, दीपक सिंध, फ्रॉम सिंध, हां सिंध से एग्जैक्टली, दीपक सिंध, ठीक ठीक, नाम रख देने से थोड़ी हो जाएगा तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हारे मदरसा में ऐसे पढ़ा जाता है, तुम चले ऐसे करते हैं, अब दीपक भाई ने ऐसे करते हैं दीपक जी जी जी, इसलिए तो दीपक भाई ने जो अर्थ किया है आए उसको जानने की कोशिश करते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच जो है इसका मतलब जो दीपक सिंध भाई ने, दीपक सिंध भाई ने जो बयान किया है, इन्होंने कहा है कि उवाच का मतलब होता है मैदान और धृतराष्ट्र का मतलब होता है वो जगह वो देश जहां पर ये राष्ट्र की बात हो रही हो, ठीक है जी, इसको जानने की कोशिश करते हैं इसका अर्थ क्या है। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका पदार्थ लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी,
इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, धर्म और क्षेत्र देखो किधर लिखा हुआ है, ये धृतराष्ट्र उवाच क्या लिखा हुआ है, धर्म और क्षेत्र धर्म भूमि, धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ क्या लिखा हुआ है।